दोस्तों, अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप योजना के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में नहीं देखा है तो देख लेना। कंप्लीट नोटिफिकेशन की डिटेल तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है ना, आप अपने मोबाइल से घर बैठे आराम से इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप एक ऐसी है राजस्थान सरकार की तरफ से मिल रही है, वो भी आप ले सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ अलग से ले सकते हैं। क्राइटेरिया इसमें कुछ भी नहीं है, सभी कैटेगरी के छात्र इसमें आएंगे और केवल 2.5 लाख रुपए से आय कम होनी चाहिए। बाकी की डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से और आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी छात्र मेरे भाई हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अलग अलग अपडेट स्कॉलरशिप से संबंधित या अन्य आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है उसके लिए आप देखिएगा, यहाँ से गूगल को ओपन करना और सर्च में यहाँ पर टाइप करना है अजीज प्रेम जी फाउंडेशन। इस प्रकार टाइप करेंगे ना तो यहाँ से आपको ये होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको डायरेक्टली अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप वाले पेज पर ओपन करना है। यहाँ से पेज कुछ ही सेकंड बाद में ओपन हो जाएगा आपका, इसी प्रकार से ओपन होगा जो अभी आपने देखा है। यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से है और फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म डेट यहाँ पर देख लिए, 10 सितंबर से शुरू हो गए और ये 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब फॉर्म अप्लाई करने की बाकी की डिटेल नोटिफिकेशन में है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई नाव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें सबसे पहले तो अपनी पात्रता चेक करनी होगी। पात्रता के लिए आपको अपना इसमें जो डिटेल है ना वो सारी फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए किस प्रकार करते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। पात्रता चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों, अभी दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें केवल और केवल फीमेल ही अप्लाई करती हैं, मेल स्टूडेंट के लिए ये नहीं है। तो आपको फीमेल ही करना होगा यहाँ पर। इसके बाद में 10वीं अगर आपने गवर्नमेंट से की है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो नो यहाँ पर कर देना। तो 10वीं क्लास अगर गवर्नमेंट की है तो यस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट से की है तो भी आपको यस करना है, नो यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। तो 12वीं आपने कर रखी है, यस कर देना यहाँ पर, क्योंकि नो करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिक एरर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नो करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर यस करना होगा। और इसमें ये देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, क्या आप राजस्थान से हैं या फिर झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कहाँ से 12वीं की है, तो वो भी यहाँ से आप दिखा सकते हैं। तो आपने राजस्थान से की है, राजस्थान का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में देखिएगा, आपको 12वीं के बाद में कॉलेज में एडमिशन आपका होना चाहिए डायरेक्टली। जैसे 12वीं इस ईयर की है तो आप नेक्स्ट ईयर में सेशन में कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। अगर आप नो करेंगे या कॉलेज में एडमिशन नहीं है तो आप इसके लिए पात्रता नहीं माने जाएंगे। तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, 12वीं के बाद में कॉलेज एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिएगा, आपके लिए ग्रीन कलर में दिख जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। तो आपको यहाँ से अब कुछ नहीं करना, कंप्लीट सही है आपका बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर जो ओके बटन है ना आपका, ओके वाला, इस पर यहाँ से आपको करना होगा राइट, ठीक है। इसके बाद में अब आपको पंजीकरण यहाँ से करना है। पंजीकरण के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर को इसमें फिल करना है जिस पर ओटीपी आ सके, ठीक है। मोबाइल नंबर एंटर करना, ओटीपी यहाँ से डाल लेना है आपको। दोनों चीज़ करेंगे, वेरीफाई यहाँ से ओटीपी कर लेना, कुछ ही सेकंडों में वेरीफाई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम यहाँ से लगता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ ओटीपी डालेगा, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई आराम से यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वेरिफिकेशन हो चुका है आपका। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी यहाँ पर प्रोफाइल बनानी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें अपनी डिटेल है वो यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी छात्रा को, जिसको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, दोनों यहाँ पर आएंगे। दोनों नाम आप कैपिटल या स्मॉल कैसे भी यहाँ पर रख सकते हैं, अच्छा रहेगा कैपिटल में रहें यहाँ पर। तो दोस्तों, फर्स्ट लास्ट नेम दोनों फिल करिएगा। इसके बाद में क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। नो करेंगे तो आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी आपके इससे, 10वीं की मार्कशीट के रोल नंबर डालना होगा। इसलिए आपके पास सभी के पास आधार कार्ड है ही आज के टाइम में, तो आप यहाँ से आधार कार्ड पर यस कर देना। आधार कार्ड पर करेंगे, आधार कार्ड यहाँ से नंबर आपसे
मांगेगा। आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना और आपको इसमें एक ऐसा पासवर्ड बनाना है अपनी प्रोफाइल के लिए जो आपको याद रह सके और आप इसे बाद में लॉगिन कर सकें। तो यहाँ से आपको सही से पासवर्ड बना लेना है। कुछ तो आपको जो है अंकों में संख्या लेनी है, कुछ आपको ABCD में जो भी आपका नाम रहेगा उसको यहाँ पर डाल लेना, आपका पासवर्ड यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके डायरेक्टली यहाँ पर जो नाम डिटेल है सभी करके रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो जाएगा। तो देखिएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यानी पंजीकरण सफलतापूर्वक आपका हो चुका है। जो इसका यूजर नेम है ना आपके फ़ोन पर मेल कर दिया जाएगा यहाँ से SMS के माध्यम से। अब आपका यूजर नेम तो फ़ोन से आपको लेना ही लेना है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने डाला है उसको यहाँ पर एंटर कर लेना। अब दोनों चीज़ें डाल के यहाँ से आप लॉगिन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से लॉगिन करेंगे ना ID पासवर्ड डालने के बाद में, तो लॉगिन करेंगे उसके बाद में ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा ओपन करने के लिए, ठीक है। फिर भी छात्रों को दिक्कत आती है, फॉरगेट पासवर्ड और डोंट यू हैव ID दोनों दी गई हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपको इस प्रकार लॉगिन करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। कंप्लीट योर प्रोफाइल यानी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, अब फॉर्म भरने की प्रोसेस यहाँ से शुरू है। आप प्रोसेस पर क्लिक करिएगा, जब प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म एप्लीकेशन भरने का यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म ओपन हुआ है यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करना है, फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ से आपको अपने कंप्यूटर मोबाइल से फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फ़ोटो की साइज़ रहेगी 3 MB की और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ओनली JPG PNG में होना चाहिए, यानी PDF में फ़ोटो नहीं लगाना है केवल, बाकी फ़ोटो तीनों फॉर्मेट में लग जाएगा, PNG JPG या JPEG, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से कुछ डिटेल है आपकी ऑटोमेटिक ले ली जाएंगी आपके रजिस्ट्रेशन से। मेल है, जेंडर फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी इसमें, जो आपको भरना ही भरना ही ये सारी चीज़ें, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ से आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी बर्थ आएगा, मान लो आप 2004 के हैं, 2005 के, वो यहाँ से आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, किस मंथ से हैं आप, तो मान लीजिए आपकी डिटेल ये है तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वाले, ठीक है। जीमेल आईडी आपके लिए ये नहीं है कि ज़रूरी है भरना, अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जो आपके लिए रेड पॉइंट दिख रहा है वही आपके लिए ज़रूरी होता है। आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, आधार नंबर फिल करेंगे तो आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर साइड में शो हो जाएगी। इसके बाद में एड्रेस में आपको यहाँ पर एड्रेस में आपको अपना स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से जितनी डिस्ट्रिक्ट इसमें दी गई हैं वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं, रीज़न क्या है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एड्रेस कम्युनिकेशन यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर पिन कोड डाल देना अपनी तहसील वाला, और सेव एंड चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं और फॉर्म आपका आगे यहाँ से एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। अब फाइनली क्रिएट एप्लीकेशन अब होगा, यहाँ पर जो भी मार्कशीट वगैरह डिटेल आएगी वो अब होगी, तो क्रिएट एप्लीकेशन पर जाना है। जब यहाँ से आप क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे ना दोस्तों तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो माय प्रोफाइल हो चुकी है, प्रोफाइल चेंज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं अभी, फॉर्म भरने की अब प्रोसेस शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए रेफरल डिटेल आएगी, एजुकेशन आएगी और आपके एडमिशन डिटेल और एप्लीकेशन सबमिट वगैरह करने की सारी डिटेलें इसमें आ जाएंगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कंप्लीट करते हुए जाना है। तो रेफरल डिटेल का मतलब यह है कि क्या आप अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन की किसी भी सदस्य की तरफ से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपने वीडियो देखी है तो वीडियो के माध्यम से गए हैं, तो आपको यहाँ पर यस करके देखेंगे तो ये डिटेल मांगेगा, आपको यहाँ पर नो कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नो करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देना दोस्तों। इसके बाद में आपकी क्लास एजुकेशन डिटेल आएगी, 12th क्लास की यहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी। अब 12th क्लास की डिटेल आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास की है 12th क्लास, वो यहाँ पर करना है। और तो देखिएगा यहाँ से जो भी है 2023-24 आप जिस ईयर से हैं कर देना। आप एजुकेशन मोड रेगुलर या प्राइवेट, जैसे क्या है रेगुलर है तो रेगुलर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए रेगुलर कर लेते हैं। इसके बाद में स्टेट आपका कौन सा है, राजस्थान लगता है, MP, UP जो भी लगता है वही आपको फिल करना है। राजस्थान है, राजस्थान कर दिया। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर लेना है, चलिए जयपुर जैसे हम कर लेते हैं अपना, तो यहाँ से किया। ब्लॉक यहाँ पर कर देना, आपकी जो भी तहसील वगैरह लगती है। पिन कोड वहीं का डालना है, आप सभी को पता होगा ये सारी चीज़ें। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नेम आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर सर्च करिएगा, लिस्ट में आपका स्कूल का नाम मिल जाएगा।
ठीक है। और दोस्तों होगा क्या, यहाँ से अब इसके बाद में परसेंटेज आ जाएगी आपकी 12वीं की, यहाँ पर परसेंटेज डालनी है आपको कंप्लीट। जैसे कि मान लीजिए आप 72.00 है तो 00 ही लिखना है पीछे को। मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड होगी, आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है यहाँ पर। दोस्तों मार्कशीट वगैरह सही से अपलोड करेंगे ना, हो जाएगा आपका काम। दिक्कतें आती है तो सही से देख लेना साइज़ वगैरह मार्कशीट की, और यहाँ पर आपको फाइनली मार्कशीट अपलोड करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाएंगे। और यहाँ से नेक्स्ट जब आप ऑप्शन पर डिटेल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10th क्लास की डिटेल, ठीक है। उसी तरीके से 10th क्लास फिल करनी है, कब पास की है, रेगुलर हैं, और आपका स्टेट कौन सा है, और आपका ब्लॉक कौन सा रहा है, कंप्लीट डिटेल है सारी यहाँ पर फिल करिएगा। उसी तरीके से जहाँ से आपने 10th पास किया ना, वो डिटेल इसमें आएगी, ठीक है। तो स्कूल की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, पिन कोड आ जाएगा आपका, स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, 10th क्लास में परसेंटेज कितनी रही है आपकी वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो फाइल अपलोड करने के बाद में सेव करेंगे तो यहाँ से ये आपका पेज नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। 8th क्लास की डिटेल है, ऑप्शनल है, आपको फिल करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा नहीं है 8th क्लास की डिटेल तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो 8th की भी ज़्यादातर सभी छात्रों के पास है, तो वो भी यहाँ से कंप्लीट डिटेल फिल करके टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेगा ये इकोनॉमिक डिटेल है, ऑप्शनल है, ये भी भरना चाहो तो भर सकते हो। किसी विकलांग छात्र छात्रा के लिए है, अगर आप हैं तो यस करना, अन्यथा नो। और बाकी की पेरेंट स्टेटस कर देना, आपके फादर है तो फादर, एक भी माता पिता नहीं है तो आपको नो करना है, दोनों है तो दोनों पकड़ देना, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं ना, डिटेल फिल करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो करो अन्यथा मत करो। मदर का नाम आ जाएगा, फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फैमिली इनकम इंपॉर्टेंट है, फैमिली इनकम आपको 2.5 लाख रुपए से कम रखनी है, तो यहाँ पर देख लेना 2.5 लाख रुपए से। हिंदू है, मुस्लिम है, वो आपको यहाँ एंटर करना है। कैटेगरी कौन सी, आप सभी आते हैं इसमें, जनरल ओबीसी एसटी वगैरह। यहाँ पर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ओपन होगा, ध्यान रखना कास्ट वाला। और यहाँ पर डिसेबिलिटी वाला हो जाएगा, विकलांगता का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी दोनों लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर जाना है, और सेव यहाँ से फॉर्म को कर लेना, ठीक है। कंप्लीट डिटेल सेव हो जाएगी, इसके बाद में एडमिशन डिटेल आ जाएगी। एडमिशन डिटेल आज में आपकी वो आएगी कॉलेज वाली, ठीक है। अगर अभी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसकी डिटेल आएगी, राजस्थान से ही होंगे, कॉलेज का नाम किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए इस प्रकार से हम अपना सेलेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट नेम आएगा, इसमें आपको सर्च करना है अपना, ये तो दोस्तों डिटेल भरनी ही भरनी है आपको। कोर्स आ जाएगा आपको यहाँ पर, जो भी कोर्स रहेगा, बीए वगैरह, आप जो भी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से मान लीजिए 3 साल का डिग्री कर रहे हैं, तो डिग्री करिए। कोर्स कैटेगरी, कैटेगरी यानी कोर्स कौन सा है आपका, किस कैटेगरी में आता है, वो भी यहाँ से आपको इसमें एंटर कर लेना है, ठीक है। डिटेल आराम से चेक करके करिएगा अपनी, और आपको अपने कोर्स वगैरह की जानकारी सही से करने के बाद में ही फिल करना है। कोर्स नेम आ जाएगा, क्या कर रहे हैं आप, मान लीजिए बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, जो भी है आप यहाँ पर फिल करिएगा आपका सही से। और दोस्तों कोर्स सिस्टम क्या है आपका देखिएगा एक बार, एनुअल है, सेमेस्टर है, तो आप देख लीजिए 12 सक है, सेमेस्टर है, उसी आधार पर आपको इंटर करना है। 12 सक है तो फर्स्ट ईयर ही रहेगी आपकी 12th के बाद में, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किस कितने ईयर का कोर्स है तो आपको उसी टाइप से यहाँ पर फिल करना है। तो ज़्यादातर बीए का 3 साल का रहता है, तो कोर्स डिटेल इन ईयर 3 ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। कोर्स स्टेट स्टार्ट डेट यानी कि आपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, उस एडमिशन की डेट यहाँ पर आएगी आपकी, और कौन जो आपका एडमिशन है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, तो 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर में ही होगा, गैप लग जाएगा तो आप इसके लिए पात्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो कोर्स स्टार्ट डेट आ जाएगी आपको, अब अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन यानी कि आपकी जो डिटेल है ना एडमिशन वाली, वो यहाँ पर आएगी, और कॉलेज की फीस रिसिप्ट वहाँ पर लग जाएगी, दूसरी जगह ये इस जगह पर लगेगी, ठीक है। दोनों जगह फीस रिसिप्ट लगेगी, एडमिशन वाली लगेगी, दोनों को फिल करके यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर जाना, और इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं आपको, पॉइंट हैं, पढ़ लेना। और दोस्तों फाइनली जाकर राइट क्लिक करना है, यहाँ बॉक्स पर जाकर हो जाएगा, आई एग्री एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर जाकर सबमिट यहाँ से कर देना।
दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर शो हो जाएगा, फॉर्म अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे की साइड से, स्टेटस यहाँ पर अपना देख सकते हैं और जो स्टेटस है वो आपको डिटेल मिलेगी। डाउनलोड फॉर्म इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप का फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं और 30,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी, हर साल आपके लिए दी जाएगी जब तक आप कॉलेज अपना चालू रखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। और दोस्तों किसी भी कैटेगरी की छात्रा हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 12वीं+ छात्रा होनी चाहिए, कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए, इसी वर्ष चालू किया है और आपके लिए स्पेशल बहुत अच्छा ऑफर है इस चीज़ का, स्कॉलरशिप लेने का घर बैठे। कुछ भी आपको अलग से इसमें जो भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस नियमों का पालन करना है दोस्तों, आराम से आपको घर बैठे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर ऐसी ही अपडेट और देखनी है तो आपको हमें भी सपोर्ट करना है और वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।